इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। धार से बड़ी खबर मिल रही है, यहाँ पर आपको बता दें कि धार से ये बड़ी खबर है और 45 वर्षीय किसान ने खुदकुशी कर ली है। धार में ये बड़ी खबर है, 45 वर्षीय किसान ने खुदकुशी की। कर्ज माफ नहीं होने पर खुदकुशी कर ली किसान ने, ये बड़ी खबर धार से है, जहां पर कर्ज माफी के वादे के बाद भी जब कर्ज माफ नहीं हुआ करीब 10 महीने तक, तो नानंदखेड़ा के किसान ने खुदकुशी कर ली। कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था ये किसान और इसी कर्ज से तंग आकर लगातार वो तनाव में था, डिप्रेस था और आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। ये बड़ी खबर है धार से, जहां पर किसान ने खुदकुशी कर ली, फांसी लगाकर खुदकुशी की गई। अब इंडिया है बोरा बाखल से, उससे 4 लाख रुपया इन्होंने कर्ज लिया था और एक ग्रामीण बैंक से 1 लाख रुपए थे। इसके वजह से डिप्रेशन था, दिमाग पे लोड था तो और फसल भी खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने आज आत्महत्या कर ली। फायदा नहीं मिला, इन्हें फार्म आम सब डाला था सर, उसमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, एक रुपया भी कर्ज माफ नहीं हुआ। उससे वो कुछ दिन से परेशान थे, महीना 15 दिन से उदास उदास रहते थे और फसल भी थोड़ी खराब हो गई है उनकी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, कर्ज माफी न होने की वजह से, कर्ज का जो दबाव था उसकी वजह से किसान ने खुदकुशी की है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई बात कही गई कि पक्ष सामने आया? जी, धार के पास ही का मामला है। धार से 20 किलोमीटर दूर का नानंदखेड़ा के किसान थे ये, इनकी इन पर 2 बैंकों का कर्ज था, वो कर्ज माफी के दौरान ये कर्ज चुका नहीं पाए और नया कर्ज इनको मिल नहीं पा रहा था। इसी के साथ ही जो ज्यादा बारिश होने के कारण इनके खेतों में पानी भर गया, फसलें खराब हो गई थी, इधर कर्ज का ज्यादा दबाव था, इनके पास काफी कर्ज के तले, ये बोझ के तले दबे हुए थे, इसके कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली। योगेंद्र, कांग्रेस की तरफ से वादा किया गया था, चुनावी वादा, क्या किसी कांग्रेस के नेता का बयान सामने आया इससे संबंधित? बड़े नेता का भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कुल मिलके जो मामला है, जो कांग्रेस ने जो कर्ज माफी का वादा किया था, ये किसान की आत्महत्या को उसी को लेकर देखा जा रहा है कि अगर या तो कर्ज माफी हो जाती तो शायद ये किसान आत्महत्या नहीं करता। चलिए योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कर्ज माफी का जो वायदा किया था उससे उम्मीद थी, लेकिन जब 9 से 10 महीने बीतने के बाद भी कर्ज माफ नहीं हुआ, 2-2 कर्ज थे किसान पर और उसके बाद फसल भी खराब हो गई और उसी का तनाव था, किसान ने खुदकुशी कर ली।